العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 64 کا آغاز کر رہے ہیں. اب تک تو صاحب کتاب حقیقت و مجاز کی تعریف، حقیقت و مجاز کا اصول و حکم اور حقیقت و مجاز کے اصول پر حضرات شوافع کی طرف سے وارد ہونے والے تین اعتراضات اور ان کے جوابات بیان کر چکے ہیں. اب صاحب کتاب حقیقت کی استعمال و عدم استعمال کے اعتبار سے تین اقسام بیان کر رہے ہیں. آئیے سب سے پہلے ہم مصنف رحمہ اللہ کی کتاب کی عبارت کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ سبق سمجھنے میں آسانی ہو. دیکھیے اسکرین پر، ثم الحقیقۃ انواع ثلاثۃ متعذرۃ ومہجورۃ ومستعملۃ وفی القسمین الاولین یصار الی المجاز بالاتفاق ونذیر المتعذرۃ اذا حلف لا یأکل من هذه الشجرۃ او من هذه القدر فإن اکل الشجرۃ والقدر متعذر فینصرف ذلك الى ثمرۃ الشجرۃ فینصرف ذلك الى ثمرۃ الشجرۃ والى ما یحل فی القدر حتی لو اکل من عین الشجرۃ او من عین القدر بنوع تکلف لا یحنس. عزیز طلبہ، اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ نے حقیقت کی اقسام میں سے متعذرہ اور مہجورہ کا اصول اور متعذرہ کی مثال بیان کی ہے. عزیز طلبہ، حقیقت کی تین قسمیں ہیں، حقیقت متعذرہ، حقیقت مہجورہ، حقیقت مستعملہ. سب سے پہلے ہم ان تینوں کی تعریفات جان لیتے ہیں. عزیز طلبہ، حقیقت متعذرہ اس حقیقت کو کہتے ہیں کہ لفظ کے معنی حقیقی پر عمل کرنا دشوار ہو. حقیقت متعذرہ اس حقیقت کو کہتے ہیں کہ لفظ کے معنی حقیقی پر عمل کرنا دشوار ہو، یا آپ اس طرح بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ حقیقت متعذرہ وہ حقیقت ہے جس پر عمل کرنا بغیر مشقت کے ناممکن ہو، یعنی جس پر عمل کرنا دشوار ہو. جیسے بی عین ہی درخت یا بی عین ہی ہانڈی کا کھانا. ظاہر ہے کہ درخت کی لکڑی اور ہانڈی کے ٹکڑے کو بغیر مشقت کے نہیں کھایا جا سکتا. نمبر دو، حقیقت مہجورہ. حقیقت مہجورہ وہ ہے کہ لفظ کے معنی حقیقی پر عمل کرنا تو آسان ہو لیکن عرف، عادت یا شریعت میں اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا گیا ہو. حقیقت مہجورہ وہ ہے کہ لفظ کے معنی حقیقی پر عمل کرنا تو آسان ہو لیکن عرف و عادت یا شریعت میں اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا گیا ہو. مثال،
जैसे कोई कसम खाए कि मैं फूला के घर में कदम नहीं रखूँगा। तो अज़ीज़ तलबा, वज़ए कदम के हकीकी माना का एक जुस, दरवाज़े से बाहर खड़े खड़े आगे पैर बढ़ाकर अंदर कदम रखना है। और ये माना मतरूक और महजूर है इंदन्नास, लोगों के नज़दीक ये माना छोड़ दिया गया है, क्योंकि उर्फ़ में वज़ए कदम से मुराद दुखूल होता है, न कि वज़ए कदम बिला दुखूल। और हकीकी माना का दूसरा जूस नंगे पैर दाखिल होना है, जो इंदन्नास महजूर नहीं है, छोड़ा गया नहीं है। नंबर 3, हकीकत मुस्तामला। हकीकत मुस्तामला उस हकीकत को कहते हैं कि लफ्ज़ के माने हकीकी पर अमल करना आसान भी हो और उर्फ व आदत में उस पर अमल को छोड़ा भी न गया हो, बल्कि उर्फ व आदत में लफ्ज़ माने हकीकी में इस्तेमाल होता हो। हकीकत मुस्तामला उस हकीकत को कहते हैं कि लफ्ज़ के माने हकीकी पर अमल करना आसान भी हो और उर्फ व आदत में उस पर अमल को छोड़ा भी न गया हो, बल्कि उर्फ व आदत में लफ्ज़ माने हकीकी में इस्तेमाल होता हो। जैसे कोई कहे कि मैंने शेर देखा, तो इसमें लफ्ज़ शेर के हकीकी माना यानी दरिंदे मखसूस को देखना मुमकिन भी है और उर्फ़ में मुराद भी लिया जाता है। अज़ीज़ तलबा, ये हकीकत की 3 किस्मों की तारीफ़ आसान अंदाज में आपके सामने पेश कर दी गई है। अब वफ़िल किस्मैन अव्वलैन युसारु इलल मजाज से साहिब किताब हकीकत मुताज़िरा और हकीकत महजूरा का उसूल बयान कर रहे हैं कि हकीकत महजूरा और हकीकत मुताज़िरा और हकीकत महजूरा का उसूल ये है कि इन दोनों किस्मों में बिल इत्तेफाक लफ्ज़ के मानए मजाजी की तरफ रुजू किया जाएगा, मानए हकीकी मुराद नहीं होगा, क्योंकि लफ्ज़ के मानए हकीकी पर अमल करना दुश्वार है या छोड़ दिया गया है इंदन्नास। तो मानए मजाजी मुराद लेंगे ताकि आकिल बालिग का कलाम लगव और बेकार न हो जाए। व नज़ीरुल मुताज़िरति, इस इबारत से मुसन्निफ़ रहमहुल्ला ने हकीकत मुताज़िरा की 2 मिसाल बयान की है। पहली मिसाल ये है कि किसी आदमी ने अगर कसम खाकर कहा, वल्लाही ला आकुलु मिन हाज़िही शजरति, कसम खुदा की मैं इस दरख्त से नहीं खाऊंगा, तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ इस लफ्ज़ का मानए हकीकी अकले ऐने शजरा यानी बी ऐनी ही दरख्त को खाना दुश्वार और मुश्किल है। अकले ऐने शजरा यानी बी ऐनी ही दरख्त को खाना दुश्वार और मुश्किल है कि दरख्त की लकड़ी या उसके पत्तों को इंसान नहीं खाते, इसलिए उसका मानए मजाजी मुराद होगा। और मानए मजाजी ये है कि अगर वो दरख्त फलदार है तो ये कसम उसका फल न खाने पर महमूल होगी, और अगर गैर फलदार है तो उसकी कीमत और समन न खाने पर महमूल होगी। जब इस दरख्त का फल या उसकी कीमत मुराद है, तो अगर कसम खाने वाले ने इस दरख्त की लकड़ी का चूरन बनाकर खा लिया तो हानिस नहीं होगा। अज़ीज़ तलबा, ये तफसील उस वक्त होगी जब कसम खाने वाले ने इस लफ्ज़ को मुतलक बोला हो और अपनी नीयत को ज़ाहिर न किया हो,
और अगर उसने अपनी नियत को जाहिर कर दिया तो उसकी नियत के मुताबिक फतवा दिया जाएगा। दूसरी मिसाल हकीकत मुताज़िरा की, अगर कोई शख्स वल्लाहि ला आकुलु मिन हादिहिल किद्र कहे कि कसम खुदा की मैं इस हांडी से नहीं खाऊंगा, तो इस लफ्ज़ का हकीकी माना ऐने हांडी को खाना तो दुश्वार है, तो उसके मजाजी माना मा यहिल्लु फिल किद्र, तो उसके मजाजी माना मा यहिल्लु फिल किद्र, यानी हांडी से वो खाना मुराद लेंगे जो हांडी में है, वो सालन मुराद लेंगे जो हांडी में होता है, तो उसके मजाजी माना मा यहिल्लु फिल किद्र, वो सालन वो खाना जो हांडी में होता है की तरफ रुजू किया जाएगा। जब हांडी का सालन मुराद है तो अगर किसने हांडी का सुफ़ बनाकर खा लिया तो हानिस नहीं होगा। हांडी का सुफ़ बनाकर खाना और दरख्त की लकड़ी पीस कर खाना मशक्क़त का तरीका है, लेकिन लफ्ज़ के मुतलक बोलने के वक्त उर्फ में ये माना मुराद नहीं होता, इसलिए हानिस नहीं होगा। लेकिन अगर कसम खाने वाला अपनी नियत जाहिर करता है तो इसमें उसकी तस्दीक की जाएगी। अज़ीज़ तलबा, आइए अब हम इबारत का तर्जमा कर लेते हैं। देखिए, तुम्मल हकीकतु अनवाउन थलासतुन मुताज़िरतुन, फिर हकीकत की तीन किस्में हैं, मुताज़िरतुन नंबर एक मुताज़िरा, महजूरतुन नंबर दो महजूरा, नंबर व मुस्तअमलतुन नंबर तीन मुस्तअमला। وفي القسمين الاولين يصار الى المجاز بالاتفاق, पहली दोनों किस्मों में بالاتفاق مجاز की तरफ रुजू किया जाएगा, मजाजी माना मुराद लिया जाएगा। हकीकत मुताज़िरा और हकीकत महजूरा में بالاتفاق مجازی معنی مراد لیا جائے گا۔ ونذير المتعذرة متعذرة کی نذیر, اذا حلف لا ياكل من هذه الشجرة, اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ اس درخت سے نہیں کھائے گا, او من هذه الكدر, یا اس ہانڈی سے یا اس دیگ سے نہیں کھائے گا, تو فإن اكل الشجرة والكدر متعذرا متعذر, یقینا درخت کا کھانا اور ہانڈی کا کھانا दुश्वार है। यकीनन बी ऐन ही दरख्त को और बी ऐन ही हांडी को खाना दुश्वार है, तो फ़यन शरीफ़ दालिका, तो इस कसम को फेरेंगे दरख्त के फल की तरफ। फ़यन शरफ़ इदालिका, यन शरीफ़ भी पढ़ सकते हैं और यून शरफ़ भी पढ़ सकते हैं। फ़यन शरीफ़ दालिका, तो इस कसम को फेरेंगे इला तमरत शजरती, दरख्त के फल की तरफ, या तर्जमा करेंगे कि इस कसम को फेरा जाएगा दरख्त के फल की तरफ। व इला माँ, और उस सालन और खाने की तरफ, माँ यहिल्लु फिल किद्री, जो हांडी में होता है जो देग में होता है। हत्ता लव अकला मिन ऐन शजरा, यही वजह है कि अगर उसने बी ऐन ही दरख्त को खा लिया या बी ऐन ही हांडी से खा लिया, بنوعی تکلف, کسی طرح زور زبردستی کر کے, یہی وجہ ہے کہ اگر اس نے بی عین ہی درخت یا بی عین ہی ہانڈی کو کھا لیا کسی طرح زور زبردستی کر کے, بنوعی تکلف, کسی طرح زور زبردستی کر کے, تو لا یحنسو, ہانس نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ, امید ہے کہ آپ عبارت کا ترجمہ اور مطلب سمجھ گئے ہوگے۔ اس عبارت میں عزیز طلبہ صاحب کتاب نے حقیقت متعذرہ کی مثال بیان کی ہے کہ کسی نے قسم کھائی اس درخت سے یا اس ہانڈی سے نہیں کھاؤں گا, تو چونکہ درخت اور ہانڈی کے حقیقی معنی پر عمل کرنا, یعنی بی عین ہی درخت یا بی عین ہی
हांडी खाना मुतअज़्ज़र है, बग़ैर मशक्क़त उठाए मुमकिन नहीं है। लिहाजा हकीकी माना छोड़कर मजाजन दरख्त से दरख्त का फल और हांडी से वो खाना मुराद लेंगे जो हांडी में है। चुनांचे इस दरख्त का फल और इस हांडी में मौजूद खाना खाने की सूरत में हानिस होगा, और अगर बतकल्लुफ़ ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसने ऐने दरख्त या हांडी को खा लिया तो हानिस न होगा, इसलिए कि माना हकीकी शरअन और उर्फन मुतअज़्ज़र है, और मुतअज़्ज़र अगर मुतहक्क़क़ भी हो जाए तो शरअन उससे कोई हुक्म शरई मुतालिक नहीं होता। السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.